जय श्री माता जी। ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों का हम स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। Thank you.
लक्ष्य केंद्रित करेंगे हमारे सहस्त्रार पर। श्री माता जी कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। इसी अवस्था में हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे। एकदम से ही ऐसी बात कह दो जो कि लोग सोचेंगे कोई पागल आदमी बोल रहा है, इससे क्या फायदा। इसी तलाश में मैं थी कि मनुष्य जो है उसकी समस्या क्या है और वो किस तरह से हल होगी। बहुत बचपन से आपको आश्चर्य होगा कि मुझे मेडिटेशन की मेरे बचपन से बड़ी आदत है, और माउंट रोड में भी जब हम लोग रहते थे तब भी यहाँ पर, जो अभी मैंने सुना कि बड़ा अच्छा गार्डन बना दिया है यहाँ, एक माउंट मेरी का टेम्पल है, उसके पास जाकर घंटों में बैठ कर किसी विचार को लेकर सोचती थी कि मनुष्य में जो एक उलझन, एक समस्या है, एक ही समस्या है बहुत साधारण। वो समस्या ऐसी है कि परमात्मा ने इस सारी सृष्टि सारी एक लीला रचाई है, खेल, एक जैसे नाटक हो रहा है, और मनुष्य ये समझे बैठा है कि नाटक में बड़ा सीरियसली करना है, मुझे ही, मैं ही हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई आदमी है, उससे कहा कि तुम शिवाजी बन जाओ और तुम शिवाजी का खेल खेलो,
अब वो सोचने लग जाए कि मैं शिवाजी हो गया, तो इस पागलपन को कैसे हटाया जाए? एक समस्या ही है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि जो हम हैं सो ही हैं, इसके अलावा और कुछ हम हैं ये बात कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो सोच भी नहीं सकता है तो फिर उसको जानना कौन चाहे? सब लोग यही सोचते हैं कि जो खेल है यही सही बात है, पर अगर बच्चों से आप पूछें तो बच्चे तो सारी सृष्टि को ही खेल समझते हैं। एक बच्चा था, हमारे घर में आता था। एक दिन मुझसे पूछता है, आंटी जी आप ये डॉक्टर डॉक्टर क्यों खेल रही हैं? वो सोचते ये भी एक खेल है कि भाषण होता है, लोग आते हैं बैठते हैं, फिर सब सत्य। वास्तविक ये सत्य है, बच्चे सत्य जानते हैं, लेकिन हम लोग असत्य को सत्य माने गए। जैसे कि हम ये सोचे अब हम नागपुर में पैदा हो, हम नागपुर वाले हो गए। फिर हम हिंदुस्तान में पैदा हो, हिंदुस्तान वाले हो गए। फिर हम ईसाई धर्म में पैदा हो, ईसाई धर्म वाले हो गए। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे से आप पूछें कि बेटे तुम कौन हो, तुम जापानी हो कि अमेरिकन हो, तो हैरान हो जाएगा। उसे फिर तुम मुसलमान हो कि हिंदू, तो और भी हैरान हो जाएगा। उससे अगर पूछो बेटे तुम कौन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना ही कहेगा कि माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ और कौन, तुम भूल गई क्या मुझे? वास्तविकता में हम जो असलियत में मनुष्य हैं, ये सत्य को भुला करके और जो असत्य है उसे हम माने। जब अंग्रेज़ों ने भी यहाँ राज्य किया तो वो भी एक बड़े भारी असत्य पे थे कि हम अंग्रेज़ हैं ये हिंदुस्तानी। वो भूल गए थे कि हम भी इंसान हैं ये भी इंसान है, और ये बड़ा भारी सत्य है। ये सत्य ऐसा है कि जैसे ये एक उंगली है वैसे ही ये भी दूसरी उंगली, ये भी तीसरी, चौथी, पांचवी, सब उंगलियाँ एक ही हाथ की, लेकिन ये हाथ भी एक ही शरीर है। हम सब एक ही चीज़ में बंधे हुए हैं, ये महान सत्य और सही बात। लेकिन अगर ये उंगली सोचे कि मैं अलग हूँ और ये उंगली इसको इसको दबाना चाहे, ये उंगली इसको काटना चाहे, मेरे दांत जो हैं मेरे पाँव को काटने लग जाए, वैसी ही चीज़ मैं देखती थी संसार में। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोगों से कैसे बताएं कि भाई तुम सब एक हो। इसलिए ज़रूरी था कि सबको ये तो महसूस हो कि इसका दर्द इसको भी लगे और इसका दर्द इसे भी लगे। तो ये क्या करना चाहिए, क्योंकि तो मुझे तो ये होता था, मैं जानती थी। अभी जो बारे साहब ने कहा वो बात सही है कि जब ये बम्बई आए तो मुझसे इन्होंने कहा था, रेफरेंस उन्होंने बताया नहीं, इन्होंने मुझसे कहा कि तुम इतना तुम्हें भाषण का ये है और इतनी तुम डायनामिक हो, सब कुछ है, तो तुमको तो चाहिए कि पॉलिटिकल फील्ड में आए, तुम्हारे जैसे पॉलिटिकल फील्ड में आए। मैंने कहा भाई मुझे माफ़ करो, मेरे बस का ये रोग नहीं। जब बहुत कुछ ये करने लगे कि मेरे दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं, मेरे दिमाग में ये बात आ रही कि तुम्हारे साथ तो तुम ये हो सकता है, पॉलिटिकली तुम ये कार्य कर सकती हो, तुम्हारे जैसी मित्र स्त्री मिल नहीं सकती, तो मैंने कहा कि मेरे तो दिमाग में एक प्रकाश का गोला घूम रहा है। ये मैंने इनको जवाब दिया था, क्योंकि वजह यह है कि वो तो घूम रहा था बहुत दिनों से ही, लेकिन उसे मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि ये चीज़ क्या है, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ वो चीज़ क्या है, ये बड़ा भारी मेरे सामने था। इसीलिए मैंने थोड़ा मेडिकल की भी स्टडीज की कि समझ लें कि इसे इंसान क्या कहता है, इस चीज़ का क्या नाम है, उस पर मैं कल आपको बताने वाली हूँ। लेकिन यही खोजते खोजते मैं बहुत साधुओं के पास गई, किसी ने कहा तुम मेरी ईशा हो जाओ, किसी ने कहा कुछ हो जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हरिद्वार में भी मैं एक साधु जी थे, उनके पास बहुत दिन रही, फिर और भी बहुत सारे साधुओं के पास। धीरे धीरे मुझे ये पता हो कि सब 420 लोग, इनको कुछ भी नहीं मालूम है भगवान अगवान के बारे में, ये कुछ भी अपने बारे में नहीं जानते, कुंडलिनी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सब पैसा ऐसे ऐसे मतलब है इनको या तो औरतों के चक्कर, सब बेकार के लोग हैं, इनमें कोई पवित्रता नहीं है, सब झूठे। मुझे तो सच्चा साधु बहुत ही विरला लगता है, बहुत ही विरला है, और जो है भी कोई एक आध दो सच्चा साधु है भी तो वो जंगलों में। इसलिए मुझे बड़ी निराशा है कि धर्म के नाम पे जितना लोग झूठ करते हैं, मेरे ख्याल से और किसी भी चीज़ में किसी भी धंधे में नहीं करते, लेकिन धर्म का जो धंधा बना के रखा है, पैसा कमाने का धंधा बना के रखा है, इससे बढ़ के घृणित बात तो कोई हो नहीं सकती। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि ईसा मसीह ने, जो कि इतने शांति के पुजारी थे, उन्होंने भी एक बार हंटर लेकर के जो लोग मंदिर में दुकानें लगा कर बैठे थे उनको मारना सीखा। अपने यहाँ तो मंदिरों में दुकानें लगा कर जो बैठते हैं उनको तो कोई मारता सीखता है नहीं, लेकिन जो मंदिर की दुकान बनाए बैठते हैं, जो भगवान को वह रास्ते में बेच रहे हैं, और करोड़ों रुपया जिन्होंने इकट्ठा कर लिया है, करोड़ों रुपये का जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज कमाया, सबको बेवकूफ़ बना बना करके और भूत विद्या, स्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि से उनको पागल बना करके और उनको लूट रहे हैं, इससे बढ़ के अधन और पाप संसार में कोई है। ये पाप की गठरी उनके सर से तो उतर ही नहीं सकती, क्योंकि
क्योंकि वो सिर्फ आपका पैसा ही नहीं नोचते, पैसा नोचना है लेने, वो आपकी जेब काटना है लेने, कोई हर्ज नहीं, उससे कोई हर्ज नहीं बनता, क्योंकि ये तो सब विनाशी चीज़ें हैं, ये तो इसी संसार में रहने वाली हैं। लेकिन वो आपका जो अंदर का शक्ति का स्रोत जो कुंडलिनी है, उसी को जब खराबी कर देते हैं, उसी के मार्ग को खराब करते हैं और प्रेत विद्या और भूत विद्या से आपको भ्रष्ट कर देते हैं, तब उनको जान लेना चाहिए कि ये पैसे की गठरी न कोई ले गया है और न ले जाए, लेकिन पाप की गठरी ले जाने पर उनका क्या हाल है। लेकिन इनमें से तो बहुत से राक्षस के अवतार, बड़े बड़े राक्षस हैं ये लोग जो संसार में आए हैं, भगवान का नाम कहते हैं, है राक्षस। इन लोगों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा और मैंने जाना कि इतने मायावी लोग हैं कि इनका चक्कर ही जबरदस्त है। जैसे कि सीता जी को उठा के रावण ले गया था, बेचारी सीता जो साक्षात आदिशक्ति थी, उसे पता नहीं चला कि ये रावण मुझे ले, उसी तरह के महादुष्ट आकर के संसार में ये दुष्ट कार्य करें, और ये प्रेत विद्या और स्मशान विद्या के कारण भी अपने संसार में इतनी खराबियाँ और बुराइयाँ, क्योंकि ये गंदी गंदी आत्माएँ आकर के अच्छे भले आदमी को बेकार कर देती, उसकी इस बुद्धि को नष्ट कर, इनके हाथों में खेलना गलत बात है। हम जब किसी भी कार्य को एकदम से उद्विग्न होकर करते हैं तब सोच लेते हैं कि हम सही करें, लेकिन जब वो काम खत्म हो जाता है तो इतना दुख लगता है, इतनी पीड़ा होती है कि कितने महामूर्ख थे, पता नहीं ये कैसे काम हमने कर लिया। वास्तविकता इसमें ऐसा है, ये सारी प्रेत विद्या है एक मासिक नतीजन है, उसके बीच में हम दौड़ रहे हैं और पागल जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी इतनी हत्या और हानियाँ हम लोग कर रहे हैं, हमें अंदाज़ ही नहीं। और ये लोग, इन्होंने तीन तीन चार चार करोड़ रुपए इकट्ठा किया हुआ है, इनके घरों में जाकर के देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, बड़े राजा बन के रहते। दूसरे तरह के भी लोग संसार में निकल आए, जो सन्यास लो, ये लो, वो लो, मास सन्यास लो आदि बातें सिखाते थे। वास्तविक ये लोग आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं। सन्यास क्या परमात्मा ने बनाया? जो परमात्मा ने बनाया नहीं वो कभी भी आध्यात्मिक हो, न तो परमात्मा ने सन्यास बनाया, न तो परमात्मा ने कोई भी ऐसी विचित्र सी बात नहीं बनाई जो लेकर के आदमी चल। सन्यास तो अपने अंदर की चीज, बाहर की नहीं होती। एक आध आदमी होता है जो अंदर से ही सन्यास है, वो फिर राजघराने में बैठा रहे और चाहे वो कहीं भी बैठा है, वो सन्यास होता है, उसकी तबीयत सन्यास है। मैं अपने पिताजी के लिए कह सकती हूँ, बिल्कुल वो सन्यास स्वभाव के, अत्यंत सन्यास स्वभाव के, उनका स्वभाव इतना सन्यास था, अभी आपको एडवोकेट साहब ने बताया है, लेकिन हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा कि उनका दातापना की यह हद थी कि अगर उनके पास कोई भी चीज़ हो और अगर कोई पहुंच जाए, उनके पास उनकी अंगूठी भी हो और अगर कोई पहुंच जाए कि साले साहब मुझे बड़ी परेशानी है और ये हो रहा, फ़ौरन उतार के दे। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि साले साहब क्या है, आप जिसको देखो उसको दे देते हैं, कोई पात्र अपात्र किससे सोचा करें, ये तो सोचना चाहिए आपके भी बाल बच्चे हैं। उन्होंने कहा मेरे कौन बाल बच्चे, जिसके है वो संभालेंगे। और वास्तविक यही बात, जिसके है उसी ने संभाला हुआ। उन्होंने तो आप जानते हैं कि एक पैसा भी हम लोगों के लिए छोड़ा नहीं था और न ही किसी के लिए उन्होंने कहीं विल बनाई। ऐसा आदमी भी संसार में रहता है, नाम करता है, बड़ा आदमी बनके चला जाता है, और एक ऐसा भी आदमी होता है कि जो धर्म के नाम पर ये दुनिया भर का करकट कूड़ा इकट्ठा, पैसा इकट्ठा। जब पैसा मिलने से इंसान सुखी होता तो जिन देशों में बहुत सा पैसा है, खाने पीने को बहुत है, यहाँ मैंने सुना आंदोलन हो रहा है, अब हम तो यहाँ आए आप लोगों कल्याण के लिए, रास्ते में इन लोगों ने उतार लिया, कल वहाँ मत जाओ वहाँ सब लोग पत्थर मारेंगे। मैंने कहा ये भी कोई तरीका हुआ भाई, हम कोई उनको अनाज कम ज़्यादा थोड़ी दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि का भ्रम देखिए कि वो हम ही को पत्थर मारने के लिए निकले। उसकी वजह यह है कि हम खाना पीना इससे इतना महत्व, वास्तविक खाना पीना इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, कोई यहाँ पर भूखा नहीं मर रहा है। अगर कोई भूखा मरता होता तो आप सिनेमा में देखिए हजारों लोग खड़े हुए टिकट के लिए ब्लैक में खरीद रहे, रिक्शे वाले टांगे वाले सब खड़े रहते, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कि आप किसी को भी पत्थर मारते थे। लेकिन ये सब भूत विद्या है, आप जानते नहीं, बिल्कुल साक्षात भूत विद्या है, ये प्रेत विद्या का ही लक्षण है और कुछ नहीं है, नहीं तो मनुष्य इतना मूर्ख थोड़ी ना है जो इस तरह की बेवकूफियाँ करे। तो इस तरह से जहाँ पर जिन देशों में बहुत अफ्लुएंस है, जहाँ लोग बहुत रईस हैं, जैसे अमेरिका देश, अमेरिका में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक साधारण घर की नौकरानी जो आती है वो भी कैडलक गाड़ी में बैठ जाए। तो मुझे लगता था कि इनके हाँ इतना पैसा है, लोग इतने दुखी थे, देखते हैं आज तो कैडलक गाड़ी में आई और कल उसने आत्महत्या कर ली। मैं कभी आत्महत्या क्यों कर, आखिर क्या बात है, इनके पास सारा पैसा होते हुए भी सबसे ज़्यादा संसार में आत्महत्या अमेरिका में होती, आश्चर्य की बात है।
इसका अर्थ एक तो जाहिर है जो हमें समझ भी लेना चाहिए कि पैसा ही संसार में सब कुछ नहीं, पैसे से भी बढ़ के कोई चीज है जिसको हम खोज रहे हैं, पैसे। मनुष्य क्या खोज रहा है? वो खोज रहा है शांति और आनंद। वो पैसा नहीं खोज रहा है, वो पैसा भी इसीलिए खोज रहा है कि उसको शांति और आनंद। शांति और आनंद मनुष्य को धर्म के सहारे मिलती है, और धर्म बाहर का धर्म नहीं है, अंदर का है, जिससे धारणा है। मनुष्य जब जान लेता है कि मैं कौन सी शक्ति हूँ, मैं किस शक्ति के सहारे चल रहा हूँ, उसी दिन वो शांत हो जाता है। जैसे मैं मजाक लोगों से बताती थी कि अगर हम लोग एरोप्लेन से जाते, कुछ देहाती लोग चढ़े एरोप्लेन में पहली मरतबा, तो उन्होंने कहा कि आप एरोप्लेन में जाते वक्त कुछ कम सामान ले जाइए। तो एरोप्लेन में बैठते साथ उन्होंने सामान अपने सर पर रखे। लोगों ने कहा भाई ये क्या करें? कहें हम तो एरोप्लेन का बोझा हल्का करें। वास्तविक हम लोग भी परमात्मा का बोझा हल्का करें, उस डिवाइन पावर का, उस अनंत शक्ति का हम बोझा हल्का करें जिसने हमें बनाया, घड़ाया, बड़ा किया और जो हमारा संगोपन करने के लिए। इसी तरह से हम बहुत सीरियसली उसका बोझा उठाए हुए हैं, लेकिन जिस दिन जानेंगे कि जिसने बनाया है, जिसने हमें पाला है, बड़ा किया है, वही हमारा सर्वेसर्वा, उसी दिन बोझा जो है सबसे एकदम हल्का हो जाएगा और मनुष्य जानेगा कि ये सुना। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं बहुत से बिजलियाँ चल रही हैं, बल्ब जल रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि पंखे भी चल रहे हैं, ये सब किसी शक्ति के द्वारा। लेकिन अगर कोई बल्ब सोचे कि साहब मैं ही अलग से एक जल रहा हूँ और मुझे को जलना है और मैं नहीं जलता रहा तो सब दूर अंधकार हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे तो महामूर्ख। लेकिन अगर हमारी दो और हम दृष्टि करें तो यही बात हमारी। जिस दिन हम जान लेंगे कि एक शक्ति हमारे अंदर से दौड़ रही और उसी शक्ति के सहारे आज हम प्रज्वलित। अब मॉडर्न लोग कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें, माता जी आप कहते हैं कि ऐसी एक शक्ति है और यह है वो। मैं कहती हूँ कि इंसान गया ही किस तक, साइंस पहुँचा ही किस ओर तक। सीधी बात, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनसे पूछे कि आपके हृदय में धड़कन होती है, कोई डॉक्टर से कहना हाँ तो वो कहेगा कि तो क्या हुआ, ये तो होती अपने आप होती, कभी पर इसे कोई करता है, कौन है? तो कहले कोई नहीं करता, एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं कि ऑटोनॉमस सर्विस, माने स्वयं चालित संस्था। वो स्वयं चालित संस्था इसको चला रही है। तो उससे आप पूछे कि भाई वो फिर स्वयं कौन? भाई कोई तो कोई चला रहा है, स्वयं कहो, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे उसको शक्ति कहो, चाहे उसको कोई नाम दो, कोई तो शक्ति जो इसे चला रही है। तो ये शक्ति कौन? हमारा पचन हो रहा है अपने आप, ये कैसे हो रहा है? हमारा श्वसन चल रहा है अपने आप, ये कैसे हो रहा है? अब उसका एक नाम बना दिया आपने, ये स्वयं चालित। लेकिन ये तो नाम आपने दे दिया, नाम देने से तो कोई साइंटिफिक बात नहीं है। साइंटिफिक का मतलब है कि उसका पूरा आपको जोरा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस चीज़ का, उसके बारे में आप कुछ जानते नहीं खास, कहते भाई वो तो अपने आप कर। लेकिन घर समझ लीजिए, कोई अगर ये कहे कि उस अपने आप को आप हासिल कर सकते हैं और पा सकते हैं, तो फौरन साइंटिस्ट लोग उसके खड़े होंगे, कहेंगे ये तो एक गृहिणी है, फिर वो भी नागपुर की रहने वाली है, हमको मालूम है, ये क्या कर सकती? साइंस से चीज़ जानी नहीं जा सकती, ये चीज़ अपने ही अंदर है। और जितना कुछ संसार का जाना गया है, जितना भी ज्ञान है, जो कुछ भी आप आज किताबों पे देख रहे हैं, ये भी सब अंदर ही जाना गया, बाहर कुछ भी नहीं जाना। आइंस्टीन जैसे बड़े भारी साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि मैं बहुत खोज रहा था, खोजते खोजते मैं थक गया, मेरी समझ भी नहीं आ रहा था कि ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। उसके बाद कहले थक करके मैंने कहा चूल्हे में गया, सब कुछ लेबॉरेटरी छोड़ करके मैं अपने बाग में गया और ये साबुन के फेस से, उसके सोप बबल से मैं खेलता पड़ा। खेलते खेलते एकदम उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि समवेयर फ्रॉम सम अननोन लैंड द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी डॉन्ड अपॉन, कहीं से किसी अज्ञात जगह से ये प्रकाश मेरे अंदर है। वो अज्ञात जगह क्या है, उसी को अगर ज्ञात हो जाए, वही अगर हम जान लें, जो अदृश्य है वो अगर दृश्य हो जाए, तो किसी भी साइंटिफिक माइंड के आदमी को अपनी आँख खुली रखनी चाहिए। साइंस आखिर है किस चीज़ की? साइंस मनुष्य के उद्धार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके कल्याण के लिए और मंगल के लिए, न कि उसके नाश के लिए। अगर इसी के लिए साइंस है तो इससे बढ़ के और कौन सी चीज़ हो सकती जो आपको अपने ही से परिचित कराए? यानी आप ही सोचिए, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं और मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि आप अपने और चित्त दीजिए, आप कोई भी अपने और चित्त नहीं दे सकते। बड़े बड़े पंडित हैं, दूसरों को भाषण देंगे, पर उपदेश बहुत होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया जरा अपनी ओर नज़र करो कि आप कहाँ बैठे हैं, तो आप कहेंगे साहब ये कैसे हो सकता है, हम अपनी ओर कैसे देखें?
अपनी ओर कोई नहीं देख सकता, दूसरों की ओर आप देख सकते हैं, अपनी ओर नजर नहीं जा। और अपनी ओर नजर ले जाना ही सहज, अपनी ओर देखना ही सहज होगा। जैसे ही हम अपने को जान लेते हैं तो उस सूत्र को जान लेते हैं जिस सूत्र से सारी सृष्टि बनी। जैसे कि एक माला के अंदर में छोटे छोटे मणि होते हैं, ऐसे ही आप सब छोटे छोटे मणि हैं। और आपका चित्त, आपका ध्यान, क्योंकि इन मणियों में अलग अलग है, इसलिए आप सोचते हैं कि आप अलग अलग। जिस वक्त आपका चित्त और ध्यान उस सूत्र पे चला जाएगा जो सबके अंदर से दौड़ रहा है, आप दूसरों के सूत्र को भी जानते हैं। यही सहज योग में होता है। सहज, सहज का अर्थ है सह माने विद, ज मीन्स बॉन्ड। आपके साथ ही जो पैदा हुआ योग है, माने उस शक्ति से मिलने का जो साधन है, वो आप ही के साथ पैदा हुआ, आप ही के अंदर वो सहज में पड़ा हुआ। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। इसके लिए कुछ करने की क्या बात है आपको? कोई सी भी जीवंत काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? समझ लीजिए एक बीज है, उसको आप चाहते हैं कि उसमें से पेड़ निकले, तो आप क्या सर के बल खड़े होते हैं कि संन्यास लेते हैं, कि उसको संन्यास दिलवाते हैं, कि कोई ऐसे मनुष्य के कार्य करते हैं जिससे वो बीज निकलेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य कर ही क्या सकता है, सारा मरा हुआ काम कर। अगर पेड़ मर जाए तो उसे उन्होंने एक टेबल बना दिया, उसमें वो कितना बड़ा काम कर। एक भी जीवंत कार्य अगर मनुष्य कर सके तो हम माने कि भाई वो भी कोई कार्य करते, लेकिन हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब ये मिट्टी थी, उसे उन्होंने हॉल बना दिया, बहुत बड़ी बात कर। ये तो सब मरा हुआ कार्य, इसमें जीवंतता क्या हुई? मनुष्य का बनाया हुआ कार्य अपने आप बढ़ नहीं सकता। परमात्मा का जो निसर्ग का कार्य है, नेचर का जो कार्य है, वो अपने आप ही घटित होता है। बीज अपने ही आप फलित होता है, उसको कुछ करने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपने ही आप अंदर होता है। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन काम है कि वो कुछ भी ना करे। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शिक्षा हो जाती है कि उसको जेल में बंद करो। आखिर जेल में मुझे बंद कर दीजिएगा तो मेरे लिए वरदान हो जाएगा, और आप लोगों को बंद करेंगे तो आपके लिए जेल हो जाएगी, क्योंकि वहां तो करने का क्या है, वहां तो बैठे बैठे ही मजा आ रहा है। हम लोग अपने ही से भागे चले जा रहे हैं। हम तो अपने साथ एक मिनट नहीं बैठ पाते, दस मिनट भी अपने साथ बैठना हो तो भाई मैं तो बोर होगा, चलो सिनेमा जाए, भाई बोर होगा चलो उससे जाके मिले। पांच मिनट भी अगर इंसान से कहो कि तुम शांति से अपने साथ बैठो, इंसान नहीं बैठ। लेकिन हम जो कुछ भी अंदर हैं, इतने परम सुंदर हैं और इतने अच्छे हैं, हमारा जो अंतरतम है इतना खूबसूरत है, इतना गौरवशाली और प्रभावशाली है कि उसके दर्शन मात्र में ही मनुष्य एकदम से सब कुछ भूल जाता है। लेकिन उसको जब जाना नहीं गया, अपने ही अंदर कस्तूरी छिपी हुई है और कस्तूरी मृग संसार में खोज रहा है और ढूंढ रहा है। धर्म के मामले में भी यही बात, जैसे कि अब नानक साहब ने कहा है कि काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समान, पुष्प मध्य जो बास बसत है मुकुर माही छाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो भाई। बार बार कहेगा घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब वो सब लोग बैठ करके रट रहे हैं गाना, घट ही खोजो। ये तो वो प्रिस्क्रिप्शन दे गए कि ये दवा लो, हम तो प्रिस्क्रिप्शन ही रटे ले रहे हैं। धर्म भी एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसको हम रटे ले रहे हैं। करना कोई जानता है, और करना क्या होता है? धर्म के मामले में जो कुछ भी करना है वो वैसा ही है कि इसका तो कनेक्शन लगाने में भाषण दिए जा रहे हैं, आपको सुनाई देगा? टेलीफोन का कनेक्शन लगाने और मैं डायलिंग कर ही दे रहे हूँ, टेलीफोन खराब जाएगा, किसी को सुना है नहीं दे। आपका पहले कनेक्शन लगना चाहिए, आपका उस अनंत की शक्ति से ही कनेक्शन लगाने का जो परमात्मा का नेचर का जो उपाय है, वही सहज योग है। उन्होंने ही ये बना रखा है, उसी को मनुष्य को पाना। जिस दिन ये मनुष्य समझ ले कि यही एक पाना, इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया। उसने आपको मनुष्य इसलिए बनाया है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना साधन पूरी तरह से बना। आपके अंदर में एक कोई विशेष ऐसी प्रणाली बनाई हुई है जिसके कारण आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीज़ें सर में आपके मग में बनती हैं, जिसके कारण आप उस शक्ति से छूट कर अलग अलग हो जाते हैं, आपकी अलग अलग बैटरी चल रही है। अब जब अलग बैटरी में आप आ जाते हैं तो आप अपना जो साधन है उसको खुद ही इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मुझे करने का मुझे वो करने का खोजते। पहले आप पैसे में खोजते, फिर आप सत्ता में खोजते। इस जन्म में एक आदमी के पास खूब पैसा होगा तो अगले जन्म में वो आकर के कहेगा भाई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कहीं का मिनिस्टर बना। फिर वो सत्ता में, सत्ता में नहीं मिला तो कहता धर्म में खोज। लेकिन सारी ही खोज वो बाहर से करता। जिस वक्त वो सारी खोजों से हार जाता, बुद्ध भी जब सब तरह से हार गए
और हार करके लेट गए कि नहीं, इसमें नहीं मिलने वाला। इसमें वो चीज़ नहीं मिली मुझे जिसको मैं खोजा था। जिस वक्त वो हार गए उसी वक्त उनसे कृपा हुई और वो इसे पाए। उन्हें भी सहजयोग से ही मिला था, और संसार से जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं सब ने सहजयोग से पाया, सब ने ही सहज ही योग से पाया था। और किसी भी योग से आप परमात्मा को पाना। अपने देश के सबसे बड़े पुत्र को मैं मानती हूँ, आदि शंकराचार्य को मानती हूँ, अपने देश में बहुत बड़ा। हालांकि हिंदू धर्म की बड़ी दुर्दशा है और हिंदू धर्म को हम लोगों ने समझा ही नहीं कि क्या चीज़ है। आदि शंकराचार्य ने साफ साफ कहा है कि न योगे न सांख्य न इन किसी चीज़ों से भी परमात्मा को नहीं पाया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि संसार में तीन तरह के आदमी हैं। एक तो होते हैं जो कि भक्ति में ही खोजते हैं परमात्मा, भक्ति कर रहे हैं, उनके बुद्धि नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता है कि अभी कनेक्शन लगा नहीं, परमात्मा से बात कैसे करें। पागल जैसे रात दिन चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते, पागल होकर मर जाते। लेकिन वो वहीं खत्म हो जाता तो भी मुझे हर नहीं था। कभी कभी इस पागल में मनुष्य परलोक से संबंधित हो जाता है और उनके अंदर भूत विद्या वगैरह आ जाती हो सकता है। दूसरा आदमी होता है जो कि बुद्धि का बड़ा तीक्ष्ण होता है, बुद्धि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका मन अस्थिर होता है, इधर उधर दौड़ता है, इधर की तरफ दौड़ उधर की तरफ दौड़। तो ऐसा आदमी सोचता है कि चलो योग वगैरह करें, योग साधना से अपने मन को हम कंट्रोल करें। ये भी बड़ी गलत बात है, मन को कंट्रोल करने से आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो वो आदमी मनो को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने से सोचता पहुंच जाएगा। तो ऐसा अनुशासित मन, ऐसा मन परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकता। जिसमें ब्रेक लगा है वो गाड़ी वहां नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए कि जो आदमी इंटेलिजेंस करता है या बड़ा ही भोगी है वो तो कभी भी परमात्मा के पास नहीं पहुंच। लेकिन जो आदमी ये सब छोड़ करके सोचता भी है कि हमें वो पाना है और वो धर्म के नाम पे भी अपने को ज़्यादा अनुशासित करता है, वो भी नहीं करता। असल में हमें सिर्फ होना, सिर्फ हमें होना। जैसे कि अभी वो हरे रामा वाले मेरे पास है, कहले माता जी आपके घर में तो सारी लग्जरी है भी, मेरे पति भी वही अच्छी पोजिशन में है तो घर में भी सब कुछ है ही, परमात्मा की ऐसी कुछ व्यवस्था है तो हम वहाँ रह रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भगवान की ऐसी ऐसी स्थिति होती है? तो मैंने कहा क्या भाई तुम्हारा मतलब है कि इन चीज़ों से मुझ में कुछ फ़र्क आता है? मैंने कहा जब किसी ने कोई चीज़ को पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ेगा। मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया, मैंने तो संन्यास ले लिया, ये तो मैंने कहा तुम एडवर्टीजमेंट लगा रहे। छोड़ना और पकड़ना तो तब होता है जब मनुष्य जानता है कि किसी को आप पकड़ सकते हैं और छोड़ सकते हैं। बरगर मनुष्य यही जानता है कि न तो कोई पकड़ा जाता है न छूटता है, तो फिर संन्यास भी क्या होगा? गृहस्थी क्या? आप फिर खड़े हैं, अब ये पेड़ देखिए खड़े हुए हैं, ये कोई संन्यासी है कि गृहस्थी हैं? आप भी सिर्फ हैं। जिस दिन आप हो जाएंगे, आप सिर्फ आप हो जाएंगे, सिर्फ दृष्टा हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, विटनेस हो जाएंगे, तब बाहर की चीज़ों का अर्थ इतना ही होगा कि नाटक हो रहा है, देखा कर। लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो भी देख रहे हैं, लोग हार चढ़ा रहे हैं तो भी देख रहे हैं, लोग पैर पे आ रहे हैं तो भी देख रहे हैं, और लोग जूते मार रहे हैं तो भी देख। दोनों ही चीज़ देखने की है, सारे नाटक है। जैसे ईसा मसीह के लिए देखिए कि वो सूली पे चढ़ गए, सब लोग रोते हैं सूली पे चढ़ गए, सूली पे चढ़ गए, उनके लिए वो नाटक था। उनको क्या, उनके लिए सूली उली होती क्या चीज़ है? जिस आदमी ने तूफान को रोका था क्या वो इन लोगों को रोक नहीं सकता था? आप ही सोचिए, इतना शक्तिशाली आदमी जो तूफान को रोक दे वो क्या इन गधों को रोक नहीं सकता था? वो भी चाहता तो क्रूस को गिरा देता और सब चीज़ तहस नहस कर देता, लेकिन वो कह रहा था चलो इन बेवकूफ़ों को थोड़ा बेवकूफ़ बना, इसलिए वो बेवकूफ़ बना के चले गए। और हम लोग सोचते हैं कि वो क्रूसीफाई हो गए। वो क्या क्रूसीफाई होंगे? अविनाशी जीव कभी क्रूसीफाई नहीं है। वो वार वार आते हैं संसार में और संसार का कल्याण था। उनको ना कोई मार सकता है, नहीं उनके कोई प्राण ले सकता है, नहीं उनको कोई दुख दे सकता है, नहीं उनको कोई सुख दे सकता है। वो आनंद की स्थिति में रहते हैं। सहज योग इसी स्थिति में मनुष्य को पहुंचाता है। वास्तविक इसका आज तक पता किसी को भी इतने जोर से लगाने का जितना मुझे लगा, आश्चर्य की बात है पर लगा। पूर्व जन्मों में भी बहुत बार मैंने इसका प्रयत्न किया। अब जब मैं पैदा हुई तो आपके नागपुर में हुई, इसका भी विशेष है, नागपुर से पास ही में छिंदवाड़ा में मेरा जन्म हुआ। और जो माता पिता भी मैंने ढूंढे वो भी कोई विशेष हुआ, और जो भाई बहन है और आप लोग भी मेरे नागपुर के रहने वाले हैं इसमें भी कोई विशेष बात है, और जो आज आप लोग यहाँ पहुँचे इसमें भी कोई विशेष बात होगी। हो सकता है कि पूर्व जन्म की परम पुण्याई से आप यहाँ पहुँचे हो और आप पाए। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि माता जी ये तो बड़ी कठिन बात है, लोग कहते हैं तो कुंडलिनी जागृति बड़ी देर से होती है और ऐसे बहुत आसानी से नहीं होता, करोड़ों में एक होता है।
मैं कहती हूँ कि हाँ भाई होता होगा करोड़ों में, लेकिन ऐसा आजकल है नहीं। अब हम लोग चंद्रमा पे चले गए हैं, हमारी दादी अम्मा से जाके कहेंगे कि हम लोग चंद्रमा पे चले गए, तो कहेगी हो ही नहीं सकता ऐसे कैसे, उनको फोटो भी दिखाइए तो भी वो कहेंगी कि नहीं ये तो झूठ मूठ के फोटो बनाए तुम लोगों ने और ऐसे दिखा रहे हो, कभी हो ही नहीं सकता चंद्रमा पे कैसे जाए। लेकिन चंद्रमा का जाना तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो संसार चंद्रमा पे पहुंचा है बाहर इतनी जिसने खोज कर ली, क्या वो कभी अंदर भी तो खोज करेगा ही नहीं। तो एक पेड़ जो बहुत बाहर बढ़ जाए अगर वो अपने अंदर के स्रोत को नहीं ढूंढेगा, अपने अंदर के शक्ति को नहीं ढूंढेगा, तो हो सकता है कल तहस नहस हो जाए, और यही होने वाला है। अगर आपने अपने अंदर की शक्ति को जाना नहीं और अपने अंदर की एकता को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, उसे जाना नहीं, जाना मैं कह रही हूँ समझना नहीं, बुद्धि से समझने वाला ये विषय नहीं, ये आपके अंदर आ जाए। अभी हमारे साथ बम्बई से कुछ लोग आए हैं जो कि पार हो गए, वो अपने उंगली के इशारे पर बता देंगे कि आपकी कहाँ शिकायत है, आपको क्या पता, वो महसूस कर आपके अंदर के वाइब्रेशन, सारा मनुष्य के अंदर से, हर एक आदमी के अंदर से अलग अलग तरह के वाइब्रेशन था, उससे वो बता सकते हैं बराबर कि इस आदमी में कौन सा दोष है, कि शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, हर तरह का दोष हो सकता है, पूर्वजन्म का हो सकता है, परंपरागत हो सकता है, इस तरह के सारे ही दोषों को आप अपनी उंगली के इशारे पर समझ सकते हैं, और वो जैसे ही कुंडलिनी जो हमारे अंदर बैठी हुई है जिसके बारे में कल आपको बताऊँ, वो जैसे ही ऊपर उठना शुरू हो जाती तो वो नज़ारा दिखा देती कि मनुष्य है, और सिर्फ उंगलियों के इशारे पर ये लोग समझ लेते हैं कि ये बात है। अगर ये बात सत्य है, अगर हो रही है, तो इतनी घबराने की कौन सी बात, उसमें इतनी शंका करने कौन सी बात। कल अगर मैं कह दूं कि मैं एक हीरा लाई हूँ यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको चाहिए फ्री ले ले, आप सोचते हैं क्या कोई आदमी शंका करेगा, आप में से कोई भी ऐसा है जो शंका करेगा, सब दौड़ेंगे बाबा हीरा मिलता है चाहे कहाँ से चाहे कुछ ले तो लो, मुफ्त में मिलता। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ मुफ्त में ही आनंद मिलने वाली है, तो अमेरिका में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो कहने लगे साहब वो फलाने महेश हो गए आए थे वो तो $277 लेते हैं, फलाने आए थे $377 लेते हैं, आप भी कितने 77 लीजिए अपने काम के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा भाई देखो मेरी बात जहाँ तक है तो मुझे इसको समझ भी नहीं आता, पर तुम इसके दाम लगा, तुम इसका प्राइस लगा, जो भी तुम इसका प्राइस दे सकते हो, संसार की कोई सी भी चीज़ जैसे अविनाशी को खरीद सके, मुझे सही अविनाशी चीज के पाँव की धूल के बराबर भी अगर कोई संसार की चीज हो तो मनुष्य उसको कहे कि उसे छोड़ना है या उसे नहीं। इसे आप खरीद नहीं सकते, अगर आप भगवान को बाजार में खरीद सकते तो वो भगवान कहाँ से होगा। यहाँ तो सारे साधु लोग भगवान को जो बाजार में बेच रहे हैं, उस वक्त हमें दिमाग लगाना चाहिए कि ये चीज क्या कर रहे हैं। अभी एक साहब मुझसे आकर बता रहे मुझे एक बाबा जी ने अंगूठी, तो मैंने कहा कि तुमने क्यों ली भाई, तुम्हारे पास तो लाखों अंगूठियाँ हैं, और वो अगर ऐसे बड़े भारी दाता हैं तो वो हमारे देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, सबको खाना पीना दे दे, अंगूठियाँ दे दे, घड़ियाँ दे दे, बड़ा मौजूद। लेकिन वो तो रईसों को ही देते हैं, गरीबों को किसी को देते ही नहीं, बात क्या। और फिर ये भी सोचना चाहिए दो मिनट कि आखिर परमात्मा को इसमें क्या इंटरेस्ट है कि आपकी अंगूठी दे, और कोई उनको धंधा नहीं, आपको अंगूठी देंगे, चूड़ियाँ देंगे, वो तो आपको कुछ देना हो तो परम ही की चीज देंगे ना। जो आपको परम देता है वही गुरु है, और बाकी जितने हैं सब चोर हैं, ये आप समझ। सहज योग के बारे में इतनी विक्षिप्त बातें मैंने देखी संसार में कि मैंने मनुष्य की मूर्खता से मुझे कभी कभी हंसी आई कि या तो इसमें मुझे पैसा लेना चाहिए, या तो इसमें कोई द्राविड़ी प्राणायाम करना चाहिए, या तो लोगों को मुझे नचाना चाहिए, या उनको किसी आफत में डालना चाहिए, नहीं तो कैसे हो सकता है। अरे अगर होता है तो ले, मैं तो कभी कभी बिल्कुल साधारण तरह से लोगों से कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने खाना बना लिया, जैसा बनाया तुमसे क्या मतलब, तुम्हें अगर भूख है तो चट से बैठो खा। मैं अभी सिंगापुर में गई थी तो वहाँ मलेशिया का एक बड़ा मशहूर इंटरनेशनल डॉक्टर लियांग करके आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है वो, तो वो उनको पता हुआ कि मैं आई तो भागे भागे चले, वो एयरपोर्ट से सीधे सीधे घर पे आए, मैं तब खाना खा ली, और बाहर आकर कहते थे माँ मैं मुझे भूख लगी है चलो दो खाने को। मैं कहा अच्छा तुम आए हो, मैंने हाथ हाथ धोया तो हमारी होस्टेस भी नाराज़ हुई कि भाई खाना तो खा लो, मैंने कहा नहीं अब मेरा बेटा भूखा है मुझे जान, हालांकि वो मुझसे कम से कम खुश नहीं तो 15-20 साल बड़े होंगे, लेकिन आ सीखे वो बैठ गए, एक मिनट में वो पार हो गए, एक मिनट के उन्होंने पा ली, और पाते ही साथ बहुत काम किया है उन्होंने, और वो कहते हैं कि यही एक तरीका है जिससे परमेश्वर को आप पा। लेकिन वो आर्त थे इसलिए वो बैठ गए, नहीं तो सबको कहना पड़ता बाबा ये बात है वो बात है, कन्विंस करना पड़ता, जिसको इच्छा होगी वो पट से पा असलियत को पा लेना, लेकिन चीज़ असली होना चाहिए। इसलिए मैं कहती मेरे पैर पे आने की अभी कोई जरूरत नहीं,
किसी के भी पैर पे इंसान को अपनी खुददारी में भी नहीं जाना। इसीलिए मोहम्मद साहब ने मना किया था कि किसी के पैर पर मत जाओ, किसी पे जाने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन जब आप पार हो जाएं, जब आप थोड़ा बहुत पा लें, तब आपको पता होगा कि इन्हीं पैरों से ये वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है, और पैर पे आए बगैर वो चीज़ कंप्लीट होती भी नहीं। ये सही बात है, तब ठीक। नहीं तो कोई ज़रूरत है मेरे पैर पे आने के दर्शन हो गए। अपने यहाँ दर्शन का तो ऐसा कुछ बीमारी है, माता जी के दर्शन करें। अभी दर्शन में क्या रखा है? कुछ लेके जाओ असली चीज। हम असली देने बैठे हैं, असली लेने वाले नहीं। कम से कम इस शहर में जहाँ कुछ बहुत से साल मैंने गुजारे हैं और बहुत से यहाँ के 42 के मूवमेंट से भी बहुत ज़ोरों से यहाँ पर काम किया था, तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन तब भी मुझे कभी भी डर नहीं लगा। पुलिस वालों ने मुझे बड़ा परेशान किया था, आप जानते हैं, मेरे भाई वगैरह बताएंगे। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए थे और आइस पे भी छुड़ा रखा था, ये मुझे कभी डर नहीं लगता था। मेरे घर वाले सब बहुत डरते थे, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मैंने कहा ठीक है, चलने दो, सब खेल ही है। लेकिन इतने दिनों से मेरी इच्छा थी बड़ी कि एक बार जो अपनी जन्मभूमि है वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर पहुँचाने। लेकिन एक ऐसा कहावत है मराठी में कि जिसे पिकत तिथे विकत में, जहाँ होता है वहाँ लोग उसकी कदर नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा था थोड़े दिन और बीतने दीजिए, शायद हो कि नागपुर वालों को जब समझेगा कि बड़ा भारी कार्य इसी जगह से ये बड़ा भारी कार्य होने वाला। नागपुर का स्थान बहुत ऊँचा है, हमारी दृष्टि से तो सारे विश्व की जो नाभि है वो नागपुर है। तो आप समझ लीजिए कि नागपुर वालों को कितना ज़्यादा संभल के रहना और कितने कायदे से रहना चाहिए और कितनी सुखियता से विचार करना चाहिए। ऐसे तो नागपुर वालों से सारी दुनिया घबराती है। आपको मैं एक बार लता मंगेशकर के पास गई थी, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम चलो, वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। उसने कहा मैं किसी को जाने भी नहीं दूँगी। एक बार गई थी, मुझे सबने जीते मारे। फिर दूसरे साहब के पास ऐसे हुआ तो ये प्रसिद्धि, अब मैं भी जब मैंने कहा मैं तो मेरे मैके जा रहे हूँ, मुझे आधे रास्ते में बडनेरा में इन लोगों ने उतार लिया और इधर चोरी से ले आए, जहाँ से रुक्मिणी हरण हुआ था वहीं से मेरा जैसा हरण करके यहाँ ले आए कि भैया उधर मत जाना, तुम्हें सब लोग पत्थर मारे। जो सारे विश्व की नाभि, जहाँ से सारी सृष्टि की पालन की शक्ति है, नाभि पर, हमारे नाभि पर विष्णु जी का स्थान है जो पालन करते हैं। जहाँ विष्णु जी बैठे हैं वहाँ इतने महामूर्खता अगर बसे उसे क्या खा। लेकिन ये तभी तक है जब तक आप अपने स्थान को जानते हैं। जैसे कहा था भिखारी का बच्चा है, वो घूम रहा है, वो भीख मांगे, लेकिन जिस दिन उसको पता हो जाए कि वो राजा का बेटा था, तब थोड़ी ना वो भीख मांगे। यही बात नागपुर वालों का विशेष एक भाग। पहले तो ये कि इस देश में जो कि एक योग भूमि, बाकी भोग भूमियाँ, हम मूर्ख जैसे भोग भूमियों के पीछे दौड़ रहे, ये योग भूमि। इस योग भूमि के एक एक कण कण में इतने वाइब्रेशन से, आपके नागपुर में पांव रखने से पहले ही हमारे साथ जो लोग थे कहले माता जी क्या वाइब्रेशन है नागपुर, सब लोग कह रहे थे क्या वाइब्रेशन है। और आप लोग अछूते हैं उस हवा से, आप बेखबर ही हैं जो हवा यहाँ पर फैली है। और इस जगह में जो कि सारे देश की नाभि, एक तो भारत वर्ष ही शरीर है, देह है सारे सृष्टि, नरदेह जो है वो भारत वर्ष है, और उसके अंदर की जो नाभि चक्र है जो कि सबसे पहले पालनकर्ता के रूप में स्थापित की गई थी, वो जब नागपुर है तब नागपुर का स्थान कितना ऊंचा है या पाए, और आपका स्थान कितना ऊंचा है आज, हो सकता है तो आप लोग पा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है पहले पालें, पैर वैर पे मत आइए, कुछ ना कुछ आज आप पा लीजिए, और थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बैठने तैयार है, आप भी बैठे तैयार, आराम से बैठिए, इसको पालिए। इसको पाने के बाद आपको कैंसर की बीमारी नहीं, कैंसर की बीमारी सिर्फ सहयोग से ठीक होगी, मैं आज कह रही हूँ, और 10 साल बाद अमेरिका से ये बात आएगी तब आप लोग सोचेंगे अरे वो तो कह रही, सहजयोग की बीमारी लगा लीजिए तो सारी बीमारियाँ छूट जाती, सहज योग से सारे ही रोग दूर हो जाएंगे। जैसे हृदय चक्र के रोग हैं, आपके शुद्धि चक्र जिसे और सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, मैंने खांसी जुकाम सर्दी आदि वगैरह, वो ब्रेन के जितने हैं, पागलपन के जितने हैं, भूत विद्या के जितने हैं, स्मशान विद्या के जितने हैं, पेट के जितने रोग हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे, सिवाय इसके 2-4 बीमारियों के जो बाहर से आकर के लगते हैं, उनका इलाज नहीं है, या कोई चीज़ अगर मर जाए, अब डॉक्टर लोग कैंसर में कहते हैं ब्रेन निकाल। अभी एक बड़े भारी पेशेंट लेकर आए थे, मुझे बताने लगे चल के देखिए बेहोश थे, उनको बहुत आराम है, लेकिन अब उनको मैं ब्रेन कैसे लाऊं, वो तो निकाल ही जाना,
मैंने कहा भाई ये रिपेयरिंग शॉप है, यहाँ पे अगर वो चीज़ ही निकाल डाली आपने तो हम क्या। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छोड़ करके सारे रोगों का निदान हो जाता है, आपके मन के अंदर शांति और निर्विचारिता स्थापित होती है। अंतर मौन जिसे कहते हैं अंदर से रहता है, बाहर से आप सब और दृष्टि आपकी साक्षी स्वरूप हो जाती है और आपकी बुद्धि एकदम डायनामिक हो जाती है, एक बड़ी अद्भुत हो जाती है। इतना आकलन आप में बढ़ जाता है कि आप स्वयं ही ज्ञान हो। ज्ञान में जैसे समझ लीजिए एक आर्टिस्ट हमारे यहाँ आर्टिस्ट है, बहुत साधारण आर्टिस्ट की बेचारे आज उसके बड़े बड़े पेंटिंग लग रहे हैं, एक म्यूजिशियन से बड़े साधारण वो पार हो गए आजकल कैनेडा में यहाँ वहाँ गा रहे हैं। माने जो जिसको भी लोग कहते हैं इसमें भौतिक क्या फ़ायदा होता, तो भौतिक ही फायदा और क्या फ़ायदा। भौतिकता भी कहाँ से आई है और सारी ये शक्तियाँ भी कहाँ से आई हैं, जो हम सोचते हैं विचार करते हैं ये भी कहाँ से आए, वो सब का जो स्रोत है उसकी जो गंगा है उसी में आपको नहलाना है। लेकिन अगर आपकी घघरी भरी हुई हो उसको मैं क्या करूँ, थोड़ी अपनी घघरी खाली कर लीजिए। रही बात श्रद्धा की, उस पर अभी लाल साहब ने कहा था थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने का डर है, इसे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई सी भी श्रद्धा होने की ज़रूरत नहीं, अपने प्रति श्रद्धा हो, मेरे लिए श्रद्धा की बात नहीं है, सिर्फ अपने प्रति श्रद्धा हो, अपने से झगड़ा ना, अपने को गालियाँ ना दे बैठ करके कि मैंने ये क्यों किया मैंने वो क्यों किया। थोड़े देर के लिए सब पाप पुण्य आप वहीं बाहर रखते हैं, अपने प्रति आप श्रद्धा रखें काम अपने पास हो जाता है। ये तो जैसे सूर्य की किरण है उसी तरह से प्रेम बह रहा है, उसके लिए कोई श्रद्धा उद्धा की ज़रूरत नहीं, काम अपने पास हो जाए, लेकिन अपने ऊपर जरूर श्रद्धा कि हाँ हमें भी मिल सकता है, आखिर कोई ना कोई विशेष ही बात। हज़ारों लोगों को जब बम्बई जैसी अपुण्य नगरी में हुआ है तो इस पुण्य नगरी में तो होना ही चाहिए। कल भी यहाँ पर ध्यान आदि का प्रोग्राम है, मुझे तो पता नहीं मेरा टाइम मेरा रहता ही नहीं है, इन लोगों से आप पूछ लीजिएगा। आज भी गड़बड़ ऐसी हुई कि मुझसे सबने बताया कि 5:30 बजे भाषण है और था 5 ही बजे, तो कल भी आप लोग जान लीजिए इसके बाद में, और अभी आप ध्यान में जाएं, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करें। इसमें क्या होता है वो पहले से बता दूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। आप दोनों हाथ मेरी ओर करके ऐसे बैठे, ज़रा से जगह बीच में छोड़ दें, क्योंकि ऐसा है कि आप लोग अभी तैरना नहीं जानते, समझ लीजिए आप डूब रहे, तो आपको जो बचाने वाले तैराक लोग हैं वो आपको बचाएंगे। आप कुछ मत करिएगा, आप हाथ पैर हिलाइएगा तो उनका काम बेकार जाए, आप साधारण तरह से ऐसे, और कुछ कसा वसा बदन में हो तो उसको ज़रा ढीला करें, कोई भी चीज़ कस रही हो बिल्कुल आराम से जैसे खाना खाने कैसे बैठते हो, गले में कोई तावीज़ आवीज़ आदि हो तो वो मेहरबानी से लेता हूँ, तावीज़ हो या ऐसी वैसी चीज़ें जो लोग पहन लेते हैं वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो सब निकालो और आराम से आप ऐसे बैठें। और थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद जब मैं आँख बंद करने को कहूँगी तो अपना चित्त यहाँ तालू पर साधारण तरह से दें, आँख ऊपर नहीं घुमाए कुछ नहीं, जैसे यहाँ बैठे बैठे आप घर के बारे में कैसे सोचते हैं ऐसे ही आप सोचिए कि यहाँ क्या हो रहा है देखें मात्र, और विचारों की ओर आप दृष्टि करें, अपने मन से प्रेम से कहें कि हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा हे मन बताओ कि तुम क्या सोच रहे हैं, ऐसा आप प्रेम से अपने मन से कहें, आप देखेगा हठात आप ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां से आपको लगेगा कि निर्विचार है। निर्विचार होने के बाद थोड़ी देर में आपको अपने हाथ में लगेगा धीरे धीरे झिन 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 करके कुछ तो भी अंदर में तरंग आ रहे, जैसे कि कूलर से आते ठंडे, किसी किसी को गर्म शुरू में आएंगे, कोई हर नहीं जिनको गर्म आएंगे वो झटक, लेकिन किसी किसी के हाथ थरथर आएंगे, किसी का दिल धड़केगा हो सकता, लेकिन कोई आदमी अगर झूमने लग जाए या अंदर से उसको कुछ हो रहा वो मेहरबानी से बाहर, ये होने से पहले आप बाहर चले जाएं, बाहर लोग उन्हें देख लेंगे, वो अंदर बैठ के दूसरों को गड़बड़ना था, किसी के हाथ में साधारण अगर जलन हो रहा हो तो वो फूंक दे निकाल दे बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो वो आँख खोल के मेरी ओर देखे, किसी को चक्कर सी लग रही वो भी मेरी ओर देखे, किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी जैसे बीमार लोग कोई हैं जैसे जिनको डायबिटीज आदि बहुत सीरियस टाइप की हो, हार्ट ट्रबल बहुत सीरियस टाइप, वो लोग भी बाहर चले जाएँ उनको वो लोग देख लेंगे, लेकिन अगर कोई साधारण तरह से बीमार है तो उनको कोई घबराने की बात नहीं, पेट की बीमारी हो ये बीमारी हो उसका कोई विशेष बात नहीं, पर जैसे हार्ट किसी को है बड़ा सीरियस, यहाँ तो मुझे कोई ऐसा सीरियस पेशेंट नहीं लगता और ज़रा समझ से काम ले सारी बात बन जाएगी, न चीखें न चिल्लाएं न हूँ करें न हाँ करें। और वो देवी ये भी बहुत आती हैं हमारे ध्यान में, हमने देखा देवी ये भी कभी आती नहीं, देवी को कोई और धंधा है या नहीं है, ये सब भूत आते हैं, इसलिए कोई भी देवी अभी आने की बात नहीं करें, और जिसको आती हो देवी वो बाहर चले, कृपया बाहर जा करके बाहर लोग हैं उनसे बता दीजिए कि हमें तकलीफ है वो आपको देख।
निःशब्द ध्यान में बैठते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सब एक प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व बन जाए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में
हम सब आपके श्री विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग बन जाए। अपनी ध्यान धारणा और सामूहिक कार्य की तपश्चर्या से हम श्री आदिशक्ति के एक प्रभावी और प्रभावशाली माध्यम बन जाए। परम पूज्य श्रीमाता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर हम सबको और इस संपूर्ण विश्व को आशीर्वादित कीजिए। शुमा को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। आज का यह ध्यान केंद्र यही संपन्न होता है। जय श्री माता जी। Mm-hmm.